फ्रेंड्स, सो वी आर हेयर विद अनदर लेक्चर इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड पेपर वन, पेपर टू एंड सम पॉजिटिव्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल. सी, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन योर प्रिपरेशन. ये जो थिंकर्स का चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 4 इन योर पेपर वन सिलेबस. एंड Karl Marx is supposed to be a very important thinker. There are 6 thinkers in your syllabus: Karl Marx, Emil Durkheim, Weber, Parsons, Merton and Mead. अगर आप प्रीवियस ईयर टेंस देखें तो इसमें जो मार्क्स, ड्रुकिम एंड मार्क, ड्रुकिम एंड मर्टन, ये तीन ज़्यादा थिंकर इम्पॉर्टेंट हैं. एंड इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना कह सकते हैं हम, कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू अदर थिंकर्स. लेकिन करने तो हमें 6 थिंकर है. तो मैं एक्चुअली, आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, आई एम हेयर टू गिव यू अ व्यू अबाउट, ओवरऑल व्यू अबाउट Karl Marx एज अ थिंकर फ्रॉम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप कैसे तैयार करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ किस सीक्वेंस में तैयार करोगे आप, है ना. सो दैट आस्पेक्ट आई विल बी डिस्कसिंग टुडे एंड होप यू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस लेक्चर. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, सब्सक्राइब टू माई प्लेलिस्ट ऑन सोशियोलॉजी. In this, you will get lot of lectures, regular lectures on different aspects of preparing this optional. And in due course, I will also be discussing previous year papers. आप अगर देखें पिछली playlist में, पिछले तो earlier also some I had discussed previous year papers. तो कुछ current में जो issues आएंगे वो भी मैं discuss करूँगा, and I will be in touch with you throughout your preparation. So let me start with how to prepare the Karl Marx. देखिए, कोई भी thinker start करते हैं तो सी ब्रीफली उस थिंकर की ब्रीफ उस थिंकर की लाइफ हिस्ट्री और बायोग्राफिकल ऑटोबायोग्राफिकल स्केच. लाइफ हिस्ट्री कैन ऑल्सो शुड बी रेड. उससे थोड़ा सा आइडिया मिलता है आपका कि उस थिंकर का माइंडसेट क्या था, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या था, इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड क्या था, है ना. तो सोशो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड उसका आपको इससे पता लगता है. अब ये होता क्या कि आप अगर सोशो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड आपको पता लगता है, एंड दिस सपोज दिस सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड इज यूजफुल व्हेन यू राइट आंसर्स, ठीक है. अब ये लाइफ स्केच पढ़ने के बाद आपको उस थिंकर का जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस हैं वो अगर आप पढ़ लें, ये जो कॉमन रहेगा, ये हर थिंकर में कॉमन रहेगा कि उसके जो डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस उसके ऊपर रहे हैं स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज़ के, वो इन्फ्लुएंसेस अगर आप समझ लें तो समटाइम्स से UPSC में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें ये चीज़ यूज़ हो जाती है. डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो, अभी तक नहीं पूछा, बट डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू इन वेरियस एग्जाम्स, ठीक है. इसको करने के बाद फिर आपका, अगर मार्क्स आप तैयार कर रहे हैं तो मार्क्स की जो थ्योरी है आपकी, आप उसकी थ्योरी ऑफ सोसाइटी पहले समझते हो कि थ्योरी ऑफ सोसाइटी क्या दी उसने, ठीक है ना. इसमें क्या है कि जैसे आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो यू स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, विच दिस गिव्स अ कॉन्टेक्स्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना. तो मोड ऑफ प्रोडक्शन आप समझते हो कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है. अब वंस यू आर क्लियर अबाउट हिज कंसेप्ट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, देन यू मूव टूवर्ड्स हिज एवोल्यूशनरी व्यू. आप उसके एवोल्यूशनरी व्यू की तरफ चले जाते हो, एवोल्यूशनरी व्यू समझते हो आप, एवोल्यूशनरी व्यू. इस एवोल्यूशनरी व्यू को हम उसकी थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी कह देते हैं, एवोल्यूशनरी व्यू, ठीक है. एवोल्यूशनरी व्यू एक आपको मिल जाता है. तो इसमें आप डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन करते हो, हाउ दे आर इवॉल्विंग, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म, देन एंशिएंट मोड, देन फ्यूडलिज्म, देन कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, एंड देन फाइनली कम्युनिज्म. तो बेसिकली ये इसकी दोनों चीज़ें मिलके बन जाती हैं इसकी थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. इसको थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी बोल देते हैं, जो आपके सिलेबस में दी हुई है, थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, राइट. अब इसको खत्म करने के बाद, वंस यू कंप्लीट दिस थ्योरी, देन यू फर्दर मूव टूवर्ड्स इसकी थ्योरी ऑफ क्लास,
थ्योरी ऑफ क्लास, इसके दो पार्ट हैं, थ्योरी व्हाट इज क्लास, थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। ये आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि कैसे डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्लासेस बनी और कैसे इन क्लासेस के अंदर एक स्ट्रगल इमर्ज हुआ। तो आप एक आपका टॉपिक आपके सिलेबस में भी है ये थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, ये भी आपकी थ्योरी नंबर टू बन जाती है। ये थ्योरी नंबर वन है आपकी जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो अभी क्लास स्ट्रगल, वंस यू कंप्लीट क्लास स्ट्रगल देन यू फर्दर मूव टूवर्ड्स, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो, उसकी थ्योरी ऑफ एलिनेशन करते हो। दैट इज अ मोस्ट कॉमन सीक्वेंस विच यू कैन फॉलो, क्योंकि थिंकर में क्या होता है, जब आप, वेन यू स्टार्ट स्टडिंग थिंकर, इफ यू फॉलो अ करेक्ट सीक्वेंस देन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द थिंकर प्रॉपरली, है ना। जब हम इसकी एलिनेशन की थ्योरी कर रहे हैं देन वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट हिज व्यूज अबाउट इंडिविजुअल, व्यूज ऑन इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल के ऊपर उसके व्यूज क्या हैं, ये आपको पता लगता है। और ये इसकी आपकी बन गई थ्योरी नंबर थ्री, द थ्योरी ऑफ एलिनेशन, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन फ्रॉम वंस हाउ वी आर एलिनेटेड इन सोसाइटी, ठीक है। एंड वंस वी, देखो एलिनेशन हम खत्म करेंगे, एलिनेशन हम देखेंगे डिफरेंट एलिनेशन क्या है, देन डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में एलिनेशन कैसे आती है, कैसे कैपिटलिज्म में इट रीचेज एट इट्स पीक, क्यों ऐसा पीक पे पहुंचती है, और कैसे ये डी एलिनेशन होगी, कैसे इन दी फाइनली वी विल रीच एट अ सोसाइटी वेयर देयर विल बी नो एलिनेशन। सो दैट इज अ कम्युनिस्ट कंसेप्शन ऑफ मार्क्स विच हैज इट्स ओन क्रिटिक, राइट। बट लेकिन इसके आगे जब हम चलेंगे, वंस वी मूव इसके आगे हम चलते हैं जब, तो अब हम थोड़ा सा इसमें ये देख सकते हैं, कई लोग उसको पहले भी कर लेते हैं, बट हम इसको सारी इस कंसेप्शन को वी सी फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डायलेक्टिक्स, हम इसको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की टर्म्स में देखते हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो यहाँ पे वो हेगेलियन डायलेक्टिक्स जो है, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को ही टर्न्स अराउंड हिट्स हेड। देखो कई लोग इसको पहले कर सकते हैं कि आप इसको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को बिल्कुल शुरू में करें, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस में ले लें, लेकिन वो वहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और यहाँ पे करने का फ़ायदा क्या होता है कि इफ़ यू डू एट दिस स्टेज आफ्टर डूइंग एलिनेशन आप डायलेक्टिक्स करते हो, तो उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको उसकी एप्लीकेशन समझ आती है डायलेक्टिक्स की। और पेपर में भी क्वेश्चन आ गया था ये, हाउ कैसे उसने जो हेगेलियन डायलेक्टिक्स है उसके अगेंस्ट उसने हमारा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बनाया, ठीक है ना। अब वंस यू कंप्लीट द डायलेक्टिक्स ऑफ मार्क्स, तो ये भी शॉर्ट नोट पेपर में आ सकता है आपको, है ना। आप डायलेक्टिक्स अगर हम ख़त्म करें तो डायलेक्टिक्स के बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, कि उसकी थ्योरीज का और मार्क्स का जो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस रहे तो क्या उसकी कंट्रीब्यूशन है। पेपर में कंट्रीब्यूशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन के साथ साथ हम क्रिटिक करेंगे, क्रिटिक ऑफ मार्क्स, क्रिटिकल एनालिसिस कर लेंगे उसका, स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म्स एंड देन जनरल क्रिटिसिज्म्स, की क्या उसकी कमियां रही हैं, कैसे इन्फ्लुएंसेस रहे, और फाइनली देन वी हैव टू कंक्लूड द थिंकर बाय डिस्कसिंग द रेलेवेंस, उसको अप्लाई करेंगे। हेयर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कम्स, दिस स्टेज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कम्स, एप्लीकेशन स्टेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आजकल जैसे एग्जाम डिफरेंट डिसिप्लिनस में आ रहे हैं पेपर में, तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर यूपीएससी में क्या है कि इन एवरी सब्जेक्ट दे आर आस्किंग सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, वो स्ट्रेट वे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये थ्योरी कैसे रेलेवेंट है, हाउ दिस थ्योरी कैन बी यूज टू डिस्कस वेरियस सोशल फिनोमिनास एक्चुअली, है ना। जैसे मार्क्स का पूछ लिया उन्होंने कि जेंडर रिलेशंस कैसे समझे जा सकते हैं, या पॉवर्टी कैसे समझी जा सकती है, या आजकल कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड कन्फ्लिक्ट्स बाय यूजिंग मार्क्सियन एनालिसिस, है ना। तो इस तरह से रेलेवेंस आपको स्टडी करनी है, लेकिन दैट हैज़ टू बी डन टुवर्ड्स द एंड वंस यू अंडरस्टैंड द होल थ्योरी, जल्दबाजी नहीं करनी है, है ना। ये नहीं है कि आप यूट्यूब पे जाएं और लेक्चर सुनने लग जाएं रेलेवेंस के, लेकिन थ्योरी आपने पढ़ी नहीं है अभी। सो टू टेक बेस्ट बेनिफिट ऑफ द टेक्स्ट एज वेल एज द लेक्चर्स, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द थ्योरी फर्स्ट, कि वो थिंकर क्या कहना चाह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। और आप देखिए हर पेपर में एवरी ईयर अ क्वेश्चन ऑन मार्क्स इज मस्ट, पिछले 25 सालों में कोई ऐसा पेपर नहीं आया जब मार्क्स पे क्वेश्चन नहीं आया। और वैसे भी जब आप सेक्शन पेपर वन के अंदर सेक्शन बी भी करोगे
डिफरेंट चैप्टर्स लाइक रिलीजन, पॉलिटिक्स, फैमिली, हर जगह मार्क्स तो आएगा ही आएगा, है ना. वेर एवर वी टॉक ऑफ फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस ऑफ समथिंग, मे बी इट फैमिली, मे बी इट इज रिलीजन, तो वहाँ पे मार्क्स आना ज़रूरी है. तो मार्क्स की समझ आपके ओवरऑल पेपर वन के अंदर बेनिफिट देती है. और अब तो पेपर टू में भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जब परस्पेक्टिव्स करोगे ए आर देसाई का, तब वहाँ पे भी मार्क्स, जो ए आर देसाई का मार्क्सियन परस्पेक्टिव ही है, तो वो समझने के लिए भी आपको मार्क्स का पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना. और उसके बाद मार्क्स विल फिगर आउट इन, जब क्लास एनालिसिस करते हैं इंडियन सोसाइटी का, एग्रेरियन क्लासेस, मिडिल क्लासेस, इंडस्ट्रियल क्लासेस, जब क्लासेस करते हैं तब भी वहाँ पे भी मार्क्स आता है. तो मार्क्स विल फिगर आउट एट नंबर ऑफ प्लेसेस इन योर सिलेबस. तो इसको अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है. सो दैट वाज अ स्मॉल डिस्कशन जस्ट टू गिव यू अ डायरेक्शन कि आप एक पर्टिकुलर थिंकर, जैसे एग्जाम्पल मैंने कार्ल मार्क्स का लिया, कैसे आप मार्क्स को सिस्टमेटिकली पढ़ सकते हो. एंड इस तरह से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा. So and you can, if you want to ask any question on this, you can post the question in comments. है ना, आप अच्छे अच्छे comment करते हो नीचे, तो मुझे भी अच्छा लगता है. And really मैं see, I have come on YouTube from sociology point of view for the first time, क्योंकि आजकल online offline दोनों का trend चल रहा है. Lot of demand was coming कि नहीं सर आप अभी सिर्फ optional के लिए हम offline आएंगे, तो better है optional आप online ही कराओ. तो हमने online start किया. But in order to support the online student, to provide them mentorship, उनको लगे कि हाँ somebody is there along with them, तो हमने ये YouTube की सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है. एंड बट डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी एक्टिव अलॉन्ग विद मी टू गिव मी मोटिवेशन. और पहली बार मैं इस तरह से कोई ऑप्शनल मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है मुझे भी. एंड इट्स अ न्यू मोड, तो ऑल दो इट हैज़ बिन लॉन्ग वी हैव बिन टीचिंग ऑफलाइन. तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, तो मैं बड़ा कमेंट पढ़ता भी हूँ कि हाँ क्या कमेंट लिखा है बच्चों ने. अभी तो अच्छे अच्छे कमेंट लिख रहे हैं, लेकिन चलो यू मे आस्क सम क्वेश्चंस आल्सो, सो दैट विल बी गुड. एंड इट इज़ नाइस इंटरेक्टिंग विद यू पीपल, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू लेक्चर्स अदर. आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी थिंग, जैसे ड्रुकिम भी करूँगा मैं, वेबर भी करूँगा, एंड दिस इज़ हाउ वील कीप ऑन डिस्कसिंग वन थिंग और दी अदर, राइट. थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम.